नीम के कई अनूठे लाभ हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है कि यह कैंसर कोशिकाओं को मारता है। कैंसर कोशिकाओं से मेरा मतलब है, हम सभी के शरीर में कैंसर कोशिकाएं होती हैं, लेकिन वे संगठित नहीं होती, वे हर जगह मौजूद होती हैं। किसी वजह से अगर आप अपने शरीर में कुछ खास स्थितियां पैदा करते हैं तो वे संगठित हो जाती हैं। तो छोटे मोटे अपराध से संगठित अपराध, ये बड़ी समस्या है ना? छोटे मोटे अपराधी हर शहर में होते हैं, यहां वहां वे जेबें काटते हैं, ऐसे काम करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर 50 ऐसे लोग कोयम्बटूर शहर में संगठित हो जाएं, तो अचानक पूरे शहर का माहौल बदल जाएगा, क्योंकि ये 50 लोग मिलकर ऐसी चीजें कर सकते हैं कि आपके लिए बाहर कदम रखना खतरनाक हो जाएगा। तो शरीर में भी बस यही होता है, कैंसर कोशिकाएं अपराधी कोशिकाएं होती हैं, वे हर जगह घूमती रहती हैं। अगर वे अकेले घूमें तो कोई परेशानी नहीं है, अगर वे एकजुट हो जाएं, अगर वे एक जगह मिलें और उनका मेल हो जाए तो परेशानी होती है। तो अगर कानून व्यवस्था अच्छी है, वे ये देखते हैं, शुरू में एक अपराधी जेबें काटकर खुश होता है, रोज जेबें काटते काटते जब दो ऐसे लोग मिलते हैं तो वे घर लूटने का सपना देखते हैं, जब 5 ऐसे लोग मिलते हैं तो वे बैंक लूटने का सपना देखते हैं। ये ऐसे ही होता है। तो अगर कानून व्यवस्था सचेत और सक्रिय है तो वे यहां वहां से ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालेंगे, वे कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ऐसे लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर बड़ी समस्या ना बन पाए। तो शरीर के साथ भी ऐसा ही है, उनके गिरोह बनाने से पहले अगर आप उन्हें यहां वहां तोड़ते रहे, कुछ लोगों को मारते रहे, रोज नीम खाने से बस यही होता है, वो शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या को एक खास प्रतिशत तक रखता है ताकि वे शरीर के खिलाफ गिरोह न बना सके। इसलिए नीम खाना बहुत जरूरी है।